और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, मैं जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट, मतलब भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% के का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। मैंने पता लगाया, सारे आंकड़े निकाल दिए मैंने, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, आप मतलब चौंक जाओगे। मीडिया में सीनियर एंकर्स, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया ओनर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी नहीं है, एक नहीं है। मैंने पूरी लिस्ट निकाली, एक नहीं मिला। फिर एक मीडिया का ओनर था, जानता था, जानता हूं उसको, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप एंड में आप अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। कहते हैं हां। तो मैंने कहा मुझे यह आप समझाओ कि 90% जो लोग हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा आप मेरे लिए एक काम कीजिए, आप जाके पता लगाइए कि आपके न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट्स, ये बाकी लोग ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के कितने हैं? जवाब नहीं दिया मुझे, चुप, वापस नहीं आया। और ये हर लेवल पे हो रहा है। आपने अदानी जी की बात की, फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पार कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए। बिजली बिल कौन देता है? 90% देता है ना। तो पूरे का पूरे सिस्टम का यही काम है। जो 90% है उनके लिए 2-3 एवेन्यूज हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। रेलवेज है, उसको खत्म कर रहे हैं। आर्मी में आप रिस्पेक्टेबल
जॉब पा सकते थे उसको खत्म कर दिया, उसको मजदूर बना दिया, अग्निवीर बना दिया। और फिर आप मनरेगा देखिए, 90% की वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, मजदूरों को देखिए वहां 90% मिल जाएंगे। और मेरे लिए फ्रेंकली अब ये पॉलिटिकल बात नहीं रही है, इसमें मुझे मतलब ये अब पॉलिटिकल मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं, मेरे लिए अब ये मिशन है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें और उसमें 90% की बात ही नहीं चल रही है, 90% को भागीदारी नहीं मिल रही है, तो ये कैसा भारत है?